पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार में गंडक और कोसी में भारी उफान है। महज 24 घंटे में कोसी में 1.55 लाख क्यूसेक जबकि गंडक में 1.35 लाख क्यूसेक पानी बढ़ चुका है। इसके कारण कई और नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे बिहार पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल के तराई वाले इलाके और उत्तर बिहार की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से गंडक कोसी के अलावा बागमती, अघवारा, महानंदा नदियों के जलस्तर में सबसे तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगले 24 से 72 घंटों में इन नदियों के कई स्थानों पर खतरे के निशान के पार होने की संभावना व्यक्त की गई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती, अघवारा, शिवहर, सीतामढ़ी में जबकि गंडक के गोपालगंज के डुमरिया घाट पर और महानंदा के पूर्णिया और कटिहार में लाल निशान के पार कर गई है। इसके अलावा कोसी नदी के सुपौल और सहरसा में भी खतरे के निशान के पार होने की संभावना है। शनिवार शाम वीरपुर बराज पर कोसी का जलस्तर 1.15 लाख से बढ़कर 2.70 लाख क्यूसेक पर पहुंच गया जबकि गंडक का जलस्तर वाल्मीकि नगर बराज पर 83,000 से बढ़कर 2.1 लाख क्यूसेक पर पहुंच गया। यह दोनों जलस्तर इस साल का सर्वाधिक है। सुपौल के डीएम ने बताया है कि आवश्यकता के अनुसार नाव का परिचालन शुरू करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल खतरा नहीं है। कोसी बराज के 56 में से 37 फाटक खोले गए हैं। रामनगर के इमरती कटहरवा गांव के समीप खेत में काम करने गए 3 किसान मसान नदी के बीच में पानी बढ़ जाने के कारण फंस गए थे। सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मामला इमरती कटहरवा गांव का था। तीनों किसान खेत जोतने गए थे, उनके साथ कुछ पशुओं के होने की भी जानकारी थी। परिजनों की सूचना पर प्रशासन ने उन्हें रेस्क्यू के लिए SDRF की टीम को तैनात किया था। गंडक के बढ़ते जलस्तर के VTR के वन कक्ष संख्या M29 और M30 थाड़ी के जंगल में गंडक का पानी फैलने लगा है। जंगली जानवर पलायन कर रहे। बगहा की बरैगी सोन बरसा पंचायत में गंडक का पानी घुस गया है, लोग बेघर हो रहे हैं। नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट, लाइव।